तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर तुम बात करोगे तो इसमें कहता है टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर मैं प्लस क्यू इसको मान लेता हूँ और इसको भी मैं प्लस क्यू मान लेता हूँ, और दे आर सेपरेटेड डिस्टेंस टू ए। मतलब ये वाला पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है दिस इज टू ए। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, तो ये वाली हो गई भाई ए, दिस डिस्टेंस इज ए। और ये एक्स डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, यहाँ पर दिस डिस्टेंस इज ये वाला जो चार्ज है वो क्यू नॉट है, यहाँ पर रखा हुआ है। अब कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो एक्सपेरिमेंट टेस्ट चार्ज, कहता है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बी के मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए रूट टू। ठीक है, तो इस पे जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ये जो क्यू नॉट है बेसिकली दो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक क्यू की वजह से और एक प्लस क्यू की वजह से, तो इन दोनों की वजह। तो इधर जो फोर्स आ रहा है वो भी मैग्नीट्यूड में, उसको मैं एफ वन बोल देता हूँ और ये मैं एफ टू बोल देता हूँ। हालांकि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, ठीक है, पर ये इक्वल तो नहीं होंगे ना, डायरेक्शन वेक्टर है। तो ये एंगल कुछ सिमेट्रिकली थीटा है, तो भाई सिमेट्री ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो एफ का एक कॉम्पोनेंट एफ वन इधर आएगा जो कि होगा एफ वन कॉस थीटा, और एक इधर ऊपर जाएगा जो कि होगा एफ वन साइन थीटा। उसी तरह से इधर एफ टू का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एफ टू कॉस थीटा, और यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा जो होगा एफ टू साइन थीटा। तो एफ टू साइन थीटा और एफ टू साइन थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, जिसकी वैल्यू होगी एफ वन कॉस थीटा एंड प्लस एफ वन कॉस थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से एफ वन बराबर है एफ टू और उसको मैं एफ बोल देता हूँ, तो नेट फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये एफ टू है, तो एफ की वैल्यू पहले रख दो, फिर फोर्स एफ नेट की वैल्यू मैक्सिमम देखेंगे। तो एफ क्या है, दो फोर्स के बीच का इंट्रैक्शन। तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है, इस ट्राइंगल में आ जाओ, तो इसमें ये साइड ए है, एक्स है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम देखोगे एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के क्यू और क्यू नॉट ओवर डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर। ठीक है, और कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी बी बाई एच, मतलब एक्स अपान यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर। इन दोनों का जो हाँ रखोगे तो नेट जो फोर्स आ जाएगा उस नेट फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी टू टाइम्स यहाँ से के क्यू क्यू नॉट एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इन दोनों को उठा के इसमें रख दो, तो यहाँ पे देखने पे मुझे ये वाली जो एक्सप्रेशन बनेगी। अब इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टी टू के क्यू नॉट एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की -3/2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये जो नेट फोर्स है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये जो नेट फोर्स है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब मुझे एफ नेट मैक्सिमम चाहिए, तो एफ नेट विल बी मैक्सिमम, एफ नेट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर मिड पॉइंट पे होगी जो कि जीरो होगी, और इन्फिनिटी पे होगी जो कि जीरो होगी। तो एक्स की एक इन्फिनिट वैल्यू के लिए इसकी फोर्स कहीं पे जाके मैक्सिमम होगा, तो डी एफ नेट ओवर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में मैं अगर डेरिवेटिव ले लूँ तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से टू के क्यू नॉट क्यू एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2। यहाँ मैं डिवीजन रूल भी लगा सकता था पर वो लेन दी जाएगा, तो ये पूरा ये जीरो चला गया। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मैं एक्स को इधर ही रहने देता हूँ, और इसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2 -1 इसका मैं कर देता हूँ, प्लस इसका डेरिवेटिव लोगे तो टू एक्स आ जाएगा, और
दोबारा प्रोडक्ट रूल कर रहा हूँ, तो प्लस इसका हो चुका। तो यहाँ तुम देखोगे तो दोबारा अगर इसको इसको कॉपी कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2 कॉपी कर दो और एक्स का 1 हो जाएगा, दैट इज ऑल इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम देखोगे, हाँ यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो मुझे यहाँ जो ब्रैकेट में बचेगा वो बचेगा 2x² / यहाँ से x² + a² यहाँ से ये वाली चीज़, प्लस यहाँ से टर्म 1 बचेगा, दैट इज़ ऑल इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इज आइदर इक्वल टू 0 या दिस इज आइदर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ 2x² और यहाँ x² + a² + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ 2x² इज इक्वल टू -1 यहाँ से, और यहाँ मल्टीप्लाइड x² + a², तो यहाँ से 2x² और ये 2x² और -x² और -a², तो यहाँ से जो टर्म आ जाएगा यहाँ से वो, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक हल्का सा मिस्टेक हो गया है, तो ये जो -3, यहाँ -3/2 भी तो रहेगा, तो ये -3/2 यहाँ से चला आएगा। तो बेसिकली यहाँ से तुम देखोगे इस 2 को ख़त्म कर देगा और यहाँ से जो है वो -3, ये वाला जो टर्म है वो -3 यहाँ से इंक्लूड होता आएगा, यहाँ से -3 और यहाँ से ये -3 और यहाँ से ये -3 और ये, तो ये -3 यहाँ से आएगा, तो ये वाला जो टर्म है वो -3x² + x² = -a² मतलब -2x² = -a, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 पर जाके फोर्स मैक्सिमम होगा, मतलब गिवन जो गिवन सोल्यूशन है उसमें x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि ये वाला जो पूरा का पूरा फॉर्मेट था वो ax ऐसे दिया था, तो इसको कंपेयर करोगे तो √2 से, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये वाली x अलग है भाई, भाई कंफ्यूज मत होना।